Let y equal to sine rest 2 2 by 5 log x. Differentiate with respect to x. Dy by dx is equal to sine rest 2 2 by 5 log x. यहाँ पे sin rest to 2 by 5 log x है, इसको ऐसा लिख सकते हैं whole rest to 2 by 5, sin की पावर ही है ये भी, तो यानी यहाँ पर हमको पावर वाला रूल पहले यूज़ करना है। पावर वाला रूल सिर्फ x के लिए रहता है, x के अलावा ये पूरा जो मैंने सर्कल के लिए पूरा फंक्शन x की जगह पर है, तो रूल यही है 2 by 5 पहले लिखेंगे, sin of log x ये पूरे फंक्शन की पावर 2 by 5 minus 1 हो जाएगी, then d by dx of sin log x. अगली स्टेप में 2 by 5 sin log x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, minus 3 by 5. जब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे तो sin x का डेरिवेटिव हमको मालूम है cos x, यहाँ sin log x है, तो डेरिवेटिव होगा cos log x और फिर log x का डेरिवेटिव। मैंने इससे पहले ही बताया कि हमको जब तक निकालना है डेरिवेटिव, जब तक हमें आखिरी में स्टैंडर्ड फंक्शन ना मिल जाए, तो ये देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया है। लास्ट स्टेप जो है हमारी आंसर की होगी, जिसमें पहला 2 बाय 5 साइन log x की पावर माइनस 3 बाय 5 cos log x और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 cos of log x, 5 डिनोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में है और ये फंक्शन की पावर माइनस है, तो ये डिनोमिनेटर में लिखकर पावर इसकी प्लस लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है।